बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मज़ेदार रेसिपीज ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फजी ब्राउनी की रेसिपी, जिसे हम विदाउट ओवन और विदाउट बीटर बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। फजी ब्राउनी बनाने के लिए हम मॉल में ऐड करेंगे 100 ग्राम बटर, कप में होगा 1/2 कप, और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग चॉकलेट। अब इन दोनों चीज़ों को हम मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर पर। अब इसे हम मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर पर, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और ये मेल्ट होती जाएगी। तो देखें चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, हमने इसे पूरा मेल्ट कर लेना है। तो देखें बटर और चॉकलेट दोनों अच्छे से मेल्ट हो गए। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अब एक कढ़ाई या पैन ले लेंगे जिसमें हम ब्राउनी को बेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और यहाँ इस पर मैंने ढकनी रख दी है, नॉर्मल जो हमारे घर में होती है। अब इसे हम 15 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पर प्री हीट होने देंगे। अब एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप और प्लस 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर, आप रेगुलर भी ले सकते हैं। 1 कप और प्लस 2 टेबल स्पून। इसमें हम एक एक करके अंडा ऐड करेंगे। पहले हम एक अंडा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें एक मिक्स हो गया है, मैंने पाउडर शुगर लिया है इसलिए जल्दी मिक्स हो गया है, आप रेगुलर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम दूसरा अंडा ऐड करेंगे और फिर से मिक्स कर लेंगे। तो दूसरा अंडा भी मिक्स हो गया है, अब हम लास्ट तीसरा अंडा ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून। देखिए इसे मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे बटर और चॉकलेट का मिक्सचर जो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, ज्यादा गर्म मत इसमें ऐड करिएगा, पहले रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा, उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अब इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर मैदा और 1/4 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट इसमें चला जाएगा 1 पिंच सॉल्ट और इसमें मैं 1 टेबल स्पून चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर दें वरना स्किप कर लें। तब इसे हम कट एंड फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे, इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने इतना मिक्स करना है कि ये जो मैदा है ये इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब आप इसे ज्यादा ओवर मिक्स मत करिएगा, बैटर हमारा एकदम परफेक्ट बना है। अब इसे हम मोल्ड में डाल देंगे। तो ये मैंने 8x8 इंच का मोल्ड लिया है और इसमें मैंने ऑयल लगा के पहले ग्रीस कर लिया था, उसके ऊपर फिर बटर पेपर लगा लिया है। अब ये सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। इसे हम बस हल्का सा सेट कर देंगे, फिर टैप करेंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से चॉकलेट चिप डाल देंगे।
तो बस मैंने 1 टेबल स्पून के जितने डाले, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा बटर पेपर निकाल लिया है ताकि जब हम इसे बेक होने के बाद निकालें ये हमारी आराम से बाहर निकल जाए। अब इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे। तो पैन हमारा प्री हीट हो चुका है, इसमें हम ये रखेंगे। अब इसे हम 45 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है हमें इसे बेक करते हुए। इसे हम टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो ये देखें, ये जो हल्की सी गीली है, ये जो हमने इसमें चॉकलेट चिप डाले हैं वो इसमें जाके मेल्ट हो गए, तो इस तरह से गीली निकल रही है और हमारी ब्राउनी जो है वो बेक हो चुकी है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे मैंने निकाल लिया है, अभी ये बहुत गर्म है, इसे हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, थोड़ी सी ठंडी हुई है ये, मुझे जल्दी हो रही थी इसे निकालने की, तो अब इसे मैं निकाल लूंगी। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारी लगी है इसे हम साफ कर लेंगे टिश्यू से। तब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखें ब्राउनी हमारी कितनी अच्छी बनी है, ये देखें इसका टेक्सचर। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे सारी ब्राउनीज को। तैयार है हमारी बहुत ही मजेदार सी यमी सी फजी ब्राउनी। तो देखा आपने इसे हमने कितने आसान तरीके से बनाया है, विदाउट ओवन बनाया है, विदाउट बीटर। तो जिसके पास बीटर नहीं है वो परेशान ना हो, आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। तो टेस्ट में भी ये बहुत ही यमी सी है। तो अगर आपको मेरी ये फजी ब्राउनी की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो मैं आपके लिए ऐसी इजी रेसिपीज लेकर आती रहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।